हेलो ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल सौंदर्य हब। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसा वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, चाहे आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है चीनी और एक टुकड़ा एलोवेरा का। इस तरह काट लेना है और ऊपर का निकाल दिया है मैंने। और बस इसी में थोड़ा सा ऐसे करके इसको मैंने इस पर चीनी डाल दी है। ये देखिए, चीनी के कुछ दाने डाल दें। चीनी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी होती है, स्क्रबिंग का काम करती है, जिससे हमारे ये जो भी नोज़ एरिया में हमारे जो ग्लैंड्स होती हैं ऑयल प्रोड्यूस करती हैं बहुत ज़्यादा, इससे काफ़ी हद तक रुक जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसको इस तरह लेकर इस पर मैंने चीनी डाल दी है। ये देखिए, थोड़े से दाने और डाल देते हैं और इसको अपनी नोज़ पर ऐसे रब करेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको रब करेंगे। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये देखिए, काफ़ी फर्क आ गया है। नोज़ थोड़ी सी शाइनी सी लगने लगी है, क्योंकि जो भी ऑयल होता है वो चीनी से अच्छे से निकल जाता है और हमारी नोज़ में ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम, डेड स्किन की प्रॉब्लम, सारी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होने लगती है। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ दूसरी रेमेडी, वो भी बहुत आसान है। आप घर का नुस्खा है, ये आप आराम से कर सकते हैं और फटाफट आपके, जब आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपकी नोज़ एकदम हो जाएगी क्लीन, फोरहेड हो जाएगा क्लीन, तो चेहरे में आ जाएगी बहुत ज़्यादा चमक। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, चावल का आटा। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है, ये देखिए 1 चम्मच मैंने डाल दिया चावल का आटा। ये मैंने घर में ही पीसा था, तो आप इसको आसानी से मिक्सी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन के लिए चावल का आटा बहुत अच्छा होता है और इसीलिए ये स्क्रब का काम करता है। हमारी जो नोज़ है या पूरे फेस पे भी आप इसको स्क्रब कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर, तो ये मैंने इसमें निचोड़ दिया है अच्छे से। टमाटर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाता है और इसमें जो विटामिन होते हैं ना, विटामिन सी, विटामिन के, ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ये दही या नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी 1/2 चम्मच हनी। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के लगभग डाल देती हूँ मैं, अंदाज से ही डाल दिया मैंने। और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ये देखिए, बिल्कुल स्क्रब अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे फेस पे, नेक पे, नोज़ पे, यहाँ चिन एरिया, कहीं भी आप करिए। और इसको 3 मिनट से ज़्यादा मसाज नहीं करेंगे हम, बहुत देर तक नहीं रगड़ेंगे। बस इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से बस मसाज करेंगे और इसके बाद हम वॉश कर लेंगे। और हफ्ते में हमें 2 से 3 बार इसको करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी स्किन का ऑयल जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, आजकल जो मौसम चल रहा है चिपचिपा वाला, इसमें काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है दानों की, तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जो भी आपके फेस पे दाने निकल जाते हैं बारीक बारीक से, इनमें वाइट वाइट निकलता रहता है ऐसे कील जैसा, तो उसको हमें क्या करना है, बहुत छेड़ना नहीं है कि यहाँ ऐसे से हाथ से दबाना नहीं है, नहीं तो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमें बस उसको ऐसे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ये ट्राई करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये देखिए, ये हो चुका है मेरा 2 से 3 मिनट का, अब मैंने कर दिया। तो अब बारी आती है फेस पैक की। तो फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1/4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 2 चुटकी हल्दी। और इसके बाद मैंने लिया है बेसन 1/2 चम्मच। और इसके बाद मैंने एक आलू लिया है और उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आलू का हमें सिर्फ जूस यूज़ करना है, तो इसका मैंने देखिए अच्छे से जूस निकाल लिया है। और हम अपना फेस पैक बनाते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया है आलू में नेचुरल ब्लीच होता है, जो हमारे चेहरे को बहुत ही लाइट और ब्राइट बना देता है और दाग धब्बे को भी धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। हल्दी मैंने डाली है, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है और हमारे चेहरे को भी ये काफ़ी निखार देता है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी डाली है ना दोस्तों, ये हमारे ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है और हमारे चेहरे को भी जो ढीली सी स्किन होती है वो धीरे धीरे इससे टाइट होने लगती है, तो चेहरा हमारा काफ़ी अच्छा लगने लगता है, जवां जवां सा दिखता है, अगर हम इसका मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ करते हैं। ये फेस पैक मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए दोस्तों रेडी किया है। इसको लगा के चेहरा निखर जाएगा, पार्लर में जाके पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों इसको मैंने पूरे फेस पे अच्छे से लगा दिया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, एक तरह से ये रामबाणा बोल सकते हैं। तो मैंने इसको लगा दिया, इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज सा करना है, बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। और इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद हमें कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, लाइट मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। तो चलिए मैं वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।